हाय गाइस, अगर आप कम से कम पैसे खर्च करके रॉयल लुक चाहते हो, एक्सपेंसिव दिखना चाहते हो, एज वेल एज आप जानना चाहते हो कि कौन से कलर्स हैं जिनमें आप लग्जूरियस दिख सकते हो, रिच दिख सकते हो, एक्सपेंसिव दिख सकते हो, रॉयल दिख सकते हो, सो कंटिन्यू वॉचिंग गाइस। अच्छा और स्टाइलिश देखना फैब्रिक पे और कपड़े पे, आउटफिट जो आप चूज़ कर रहे हो उस पर तो डिपेंड करता ही है, साथ में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस कलर का आउटफिट पहना है। कुछ कलर्स होते हैं स्पेसिफिकली, जैसे सॉलिड कलर्स में न्यूट्रल्स वगैरह, जिनमें हम ना चाहते हुए भी अपने आप ही रॉयल और एक्सपेंसिव और लग्जूरियस दिखने लगते हैं, क्लासी दिखते हैं। कुछ कलर्स होते हैं जिनके अंदर हम क्यूट और किडिश दिखने लगते हैं, कुछ कलर्स होते हैं जिससे बहुत हम एजी दिखने लगते हैं, एंड कुछ कलर्स होते हैं जिनसे हम बहुत फेमिनिन दिखते हैं। तो डिफरेंट कलर से डिफरेंट डिफरेंट लुक आप क्रिएट कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा प्रिंटेड फैब्रिक से ज़्यादा मोनोक्रोम या फिर सिंगल कलर फैब्रिक ही प्रेफर करती हूँ। प्रिंट्स में क्या होता है कि हिट और मिस होता है, कभी कभी हमें लगता है कि प्रिंट छोटा है लेकिन प्रिंट बड़ा हो जाता है, हमें लगता है प्रिंट बड़ा है प्रिंट छोटा हो जाता है, एंड दूर से देखने पे प्रिंट अलग दिखता है, पास से देखने पे प्रिंट अलग दिखता है, हमने किस हिसाब से चूज़ किया होता है लेकिन सामने वाले को कैसा हम लग रहे होते हैं, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मोनोक्रोम लुक जो होता है, सिंगल कलर सॉलिड कलर, उस पर क्या पूरा कंट्रोल होता है, एंड एक्चुअली वो मुझे लगता है कि वो प्रिंट से ज़्यादा क्लासी लगते हैं। सो नाउ दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली कि किन कलर्स में आप रॉयल लग सकते हो, लग्जूरियस और एक्सपेंसिव लग सकते हो, एंड देखा जाए तो क्लासी लग सकते हो। नंबर वन कलर इज ऑलिव ग्रीन, जो थोड़ा सा मिलिट्री कलर से कम मेहंदी टाइप बोल सकते हैं आप। ऑलिव ग्रीन कलर बहुत ही क्लासी कलर है, एंड क्योंकि वो थोड़ा सा डल कलर में आता है लेकिन वो एक्चुअली डल होता नहीं है, देखने में बहुत इंप्रेसिव लगता है, बहुत क्लासी लगता है। तो अगर आप बोर हो गए हो पिंक येलो ऑरेंज पहन के और आप थोड़ा सा चेंज चाहते हो तो आप ऑलिव ग्रीन कलर के आउटफिट्स ले सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली जो ट्रेंच कोट होते हैं या जैकेट्स, ऑलिव ग्रीन बहुत अच्छी लगती हैं, एंड आप सूट भी पहन सकते हो ऑलिव ग्रीन कलर। नेक्स्ट कलर जो बहुत क्लासी लगता है, दैट इज लाइट ग्रे कलर, ग्रे कलर का थोड़ा सा लाइटर वर्जन। ग्रे कलर एक्चुअली देखने में बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है, फिर भले ही आपने नॉर्मल सा ग्रे कलर का टॉप ही क्यों ना पहना हो, कुर्ती क्यों ना पहनी हो, जैकेट ही क्यों ना पहनी हो, ग्रे कलर एकदम से पूरे आउटफिट को काफ़ी फॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रे कलर फॉर्मल कलर है, जैकेट का कलर है, स्कर्ट का कलर है, आप नॉर्मल डे टू डे वेयर में नहीं पहन सकते, आप पहन सकते हो। भले आप ऑफिस में जॉब करते हो, कॉलेज में जॉब करते हो, टीचर हो कि नर्स हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, ग्रे कलर कोई भी पहन सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे फॉर्मल वे से लेना है, उसे कहीं भी पहना जा सकता है, वो हमेशा स्टाइलिश लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओल्ड एंड ट्रस्टी ब्लैक कलर या फिर वाइट कलर, क्योंकि ये बेसिक कलर्स होते हैं इसलिए ये हमेशा आपके अच्छे लगते हैं। आपका कोई भी कलर का स्किन टोन हो, आपके ऊपर वाइट कलर एंड ब्लैक कलर हमेशा अच्छे लगेंगे, एंड ट्रस्ट मी बाकी कलर से सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर और वाइट कलर सबसे ज़्यादा ट्रेंडी लगते हैं, सबसे ज़्यादा क्लासी लगते हैं, एंड इसमें कोई एज फैक्टर भी नहीं है, कोई भी एज हो आप पहन सकते हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कहीं भी जॉब करते हो। स्पेशली आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ मोस्टली वाइट कलर और ब्लैक कलर के ही एथनिक या फिर वेस्टर्न वेयर पहनते हैं, कि वो सबसे क्लासी होते हैं एंड ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस, जिसके लिए जो मेरा फेवरेट है, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, दैट इज कॉफ़ी कलर या फिर टैन कलर। ये ब्राउन कलर के शेड्स होते हैं, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप चेक कर लेना। तो कॉफ़ी कलर और टैन कलर ये बेसिक कलर से ज़्यादा न्यूट्रल कलर्स में आते हैं, इनके अगर आप मोनोक्रोम सिंगल कलर सॉलिड कलर फॉर्मल वेयर पहनोगे या सूट पहनोगे या साड़ी भी पहनोगे ना, यू विल लुक सो क्लासी, यू विल लुक सो एक्सपेंसिव। कुछ लोगों को ये कलर थोड़े डल लग सकते हैं, थोड़े बोरिंग भी लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ये न्यूट्रल कलर्स इन्हीं वजह से बहुत स्टाइलिश लगते हैं, बहुत क्लासी लगते हैं एंड बहुत फैशनेबल लगते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, हाई एंड ब्रांड्स, वो भी मेजरली इन्हीं कलर्स का यूज़ करके आउटफिट्स बनाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल कलर्स होते हैं, अच्छा लुक देते हैं। नेक्स्ट कलर मुझे पहले पसंद नहीं था लेकिन थोड़े टाइम से मुझे अच्छा लगने लगा है, दैट इज़ लेवेंडर। लेवेंडर कलर भी पर्पल कलर का पेस्टल शेड होता है, हल्का रंग होता है पर्पल कलर का, इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लासी, वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन, स्पेशली साड़ीज़ में और सूट में अगर आप लेवेंडर कलर के पहनोगे तो बहुत स्टाइलिश लगोगे, एंड इसमें ना ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कि कैसा प्रिंट लूँ कैसा प्रिंट नहीं लूँ, सिंपल सा लेवेंडर कलर का आप साड़ी ले लो। स्पेशली मुझे बोलने से ऐसे याद आ रहा है ऑर्गेन्जा की लेवेंडर कलर की साड़ी, बहुत स्टाइलिश, बहुत क्लासी लगती है। एंड लास्ट कलर इज स्काई ब्लू कलर, दिस इज़ ऑल्सो
पेस्टल साइड ऑफ ब्लू कलर. नेवी कलर भी, नेवी ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लगता है, एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्काई ब्लू कलर ज़्यादा क्लासी लुक देता है. स्पेशली अगर लिनन में हो तो बहुत स्टाइलिश लगता है. लिनन की शर्ट्स, लिनन की कुर्ती, लिनन के प्लाजो स्काई ब्लू कलर के बहुत स्टाइलिश लगते हैं. सो अगर आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाओ तो इन कलर्स को ध्यान में रखना एंड उस हिसाब से आप शॉपिंग करना. ऐसे क्या होगा कि आपके नॉर्मल खर्च में ही, नॉर्मल एक्सपेंसेस में ही आपको और लग्जूरियस एक्सपेंसिव आउटफिट्स मिल जाएंगे. अगर आपको कम खर्च में ही एक्सपेंसिव लुक्स चाहिए एंड आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप इतना दिमाग लगाओ कि क्या स्टाइलिश है क्या नहीं, तो आप कलर में चेंजेस करो. आउटफिट के कलर ऐसे ले लो, ये न्यूट्रल टोन जो मैंने आपको कलर बताए उन कलर के आप आउटफिट्स लो. आपको ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ेगा एंड आप हमेशा ही स्टाइलिश लगोगे. सोचो अगर आपका पूरा वार्डरोब इन्हीं न्यूट्रल कलर से हो तो आप हमेशा ही स्टाइलिश लगोगे एंड आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ये पहनूँ कि वो स्टाइल करूँ, कौन सा प्रिंट मिलाऊँ. ओके सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और बाकी कलर से जो लुक्स क्रिएट कर सकते हो उसके लिए भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी. सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप. आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू रिलीज इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.